खंडवा के चिड़िया मैदान क्षेत्र की झुग्गी बस्ती वासियों को रेलवे की ओर से 14वां अल्टीमेटम मिला। अल्टीमेटम मिलते ही क्षेत्र की महिला और पुरुष सांसद नंद कुमार सिंह चौहान से मिले। रहवासियों ने गुहार लगाई कि उनके मकानों को न तोड़ा जाए। सांसद चौहान को दिए आवेदन में बस्ती वासियों ने बताया कि रेलवे द्वारा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और उसके चलते उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर उनके मकान तोड़ दिए गए तो सिर से छत छिन जाएगी। उनका आरोप है कि रेलवे की ओर से उन्हें नोटिस देकर डराया और धमकाया जा रहा है, जबकि उनके मकान ब्रिज की जमीन की जद से काफ़ी दूर हैं। सांसद चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी 3 महीने तक उनके मकान को कोई भी हटाने नहीं आएगा। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखपाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीबी भाई। बस हमको यहाँ रहने की जगह बस यहीं पर ही जा रहेंगे, हम यही मरेंगे, यही गड़ेंगे। इतनी उम्र हमारी यही हो, हमारी माँ मर गई, हमारे सब कुटुंब यहाँ खत्म हो गया। बोलो, कोई नहीं बोलना दूसरा। आज कब से रह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? हमारा तो जवान जवान लड़के और ये कोरोना लगा, जब से मेरा आदमी भी शांत हो गया, मेरी अम्मा भी शांत हो गई। मैं मंग के खाने वाली मेरी जिंदगी यहाँ पर गई चिड़िया मैदान में। मैं यहाँ से जा नहीं सकती और मेरे मैं कहाँ से दूँ किराया भाड़ा। मैं तो मंग के खाने वाली, मेरे पेट में 2 जवान बेटी, मैं उनको लेके कहाँ जाऊँगी? कब से रह रहे हो आपने? हम ये उम्र हो गई मेरी, मेरी माँ भी उम्र कम से 100 साल की होके मर गई, इंतकाल हो गया यहाँ पर। मेरा आदमी को अटैक आया कोरोना के टाइम पे, वो भी आप बताइए क्या मामला है, क्या हुआ है? 40-50 साल हो गए रहने के लिए ये जगह पे, हमको जगह बुढ़े इंसान कहाँ मरेंगे, कहाँ भटकेंगे बाबू जी, या जगह दे दो बस, इसकी बात बोल। शांता भाई कई लगड़ी हो गई, हाथ पाँव से मैं जाऊँगा, मेरे को रहने को जगह दे दो। मेरा कोई नहीं, एक बेटा है बस, मजदूरी करता बच्चा, हाथ पाँव में सब पहले से आँख से दिखता नहीं बच्चा। इतने साल हो गए हाँ जिंदगी काटते। क्या नाम है आपका? जैतून भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।